हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल गेमिंग इन इन्फो वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंडियन ट्रेन सिमुलेटर 2018 का जो लोडिंग प्रॉब्लम है उसे आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं और आपके हर कोई एंड्रॉयड डिवाइस में आप लोग कैसे प्ले कर पाओगे इंडियन ट्रेन सिमुलेटर 2018 को। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोग कैसे इस गेम को आपको एंड्रॉयड डिवाइस में इजीली इंस्टॉल करके प्ले कर पाओगे। तो सबसे पहले जो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां पर आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है जाकर, और उसके बाद आपको ZRCO एप्लीकेशन ओपन करना है। तो उसके बाद आपको डाउनलोड फोल्डर में जाना है, आपने जहाँ कहीं भी डाउनलोड किया है। उसके बाद आपको जो फाइल आपने डाउनलोड किया है, तो ये रहा यहाँ पर नीचे फाइल इंडियन ट्रेन सिमुलेटर वाला, उसको जो है एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट टू आर्चिव नेम बोलकर जो वहाँ पर दिखा रहा है आपको। तो मैंने ऑलरेडी किया था इसलिए ये रिप्लेस का बता रहा है, तो आपको नहीं आएगा रिप्लेस का। तो जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे ऊपर फोल्डर आ चुका है, तो बैक ये वाला फोल्डर आ चुका है, इसे APK दिख रहा होगा, उसमें आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है उस APK को। आप लोग अगर बाहर डायरेक्ट इंस्टॉल का ऑप्शन बताता है तो वो नहीं करेगा, इसलिए आपको अंदर से ही करना है इंस्टॉल। तो ये APK इंस्टॉल हो रहा है, यहीं से जाइए मत। अगर ये APK यहीं पे इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो आपका लोडिंग स्क्रीन ऑन नहीं होगा। मैं एक बार आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ, ये देखिए कि खाली अगर आप वो APK जो आधा प्रोसेस करके जाओगे तो लोडिंग प्रॉब्लम आपका आएगा। तो यहाँ पर हमने गेम ओपन कर लिया है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ लोडिंग स्क्रीन प्रॉब्लम आएगा। मैक्स पे रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके जो ग्राफिक्स है। तो ये देख लीजिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है लोडिंग प्रॉब्लम आ रहा है, देख सकते होंगे आप लोग। थोड़ा वेट करके मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये देखिए कोई भी लोडिंग नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ा तो होना चाहिए ना। ये देखिए बिल्कुल नहीं हो रहा है, मैंने कोई स्क्रीन नहीं रखा था इसलिए आपको बाहर जाकर भी बता दिया। तो अब चलिए बाहर निकलते हैं, आपके गेम को रीसेंट ऐप से हटा देना है आपको, और उसके बाद वापस वही फोल्डर के पास जाना है। वहाँ पर एंड्रॉयड बोलकर फोल्डर है, उसमें क्लिक कर लेना है आपको, और उसके बाद जो है आपको OBB नाम का फोल्डर के अंदर एक फाइल मिलेगी, उसे कॉपी कर लेना है, कट नहीं करना है, कॉपी करना है। उसके बाद वहाँ पर डिवाइस में जाकर एंड्रॉयड OBB में जाकर यहाँ आपको फाइल पेस्ट कर देनी है। एंड्रॉयड 11.12 के लिए यहाँ पे पहले परमिशन मांगेगा, आपको परमिशन देना है, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है। गेम को रीसेंट ऐप से हटा देना है अगर है तो, और उसके बाद वापस से आपके गेम में जाना है और यहाँ पर एक परमिशन और एक बार मांगेगा आपको फिर से, जो मैनुअली देना पड़ेगा आपको। तो अरे कट हो गया, यहाँ पर आपको अलाउ होगा लेकिन फिर एक बार उस पर क्लिक कर आपको गेम ओपन कर लेना होगा। तो गेम यहाँ पर ओपन हो रहा है, आप लोग देखिए अब स्टार्ट करेंगे, फिर से हम लोग सेम प्रोसेस में प्ले करने जाएंगे गेम को, और अब देखते हैं कि लोडिंग हो रहा है या नहीं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे नीचे लोडिंग चालू हो चुका है, देख रहे हो यहाँ पर लोडिंग ऑन हो गया है और गेम फुल्ली वर्किंग लोडिंग ले रहा है, और कुछ ही समय में हमारा गेम भी ऑन हो जाएगा, वो भी आप देख लीजिए। गेम ऑन होने के बाद ही मैं वीडियो एंड करूंगा, नहीं तो आपको लगेगा कि भाई ये इतना ही बताकर यहाँ पर अटक गया। नहीं, मैं आपका पूरा गेम ओपन होने दूंगा अभी। यहाँ पे देखिए लोडिंग कंप्लीट हो चुका है, पेंटोग्राफ अप कर लो और स्टार्ट कर लो लोकोमोटिव को, और यहाँ पर गेम प्रॉपरली वर्क कर रहा है एकदम, नो प्रॉब्लम, जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे। पर कैमरा एंगल चेंज करना पड़ेगा। तो बस उम्मीद करता हूँ जिन जिनको ITS 18 खेलना था वो सॉल्यूशन हो गया है उनका, और आप इजीली खेल पाएंगे इंडियन ट्रेन सिमुलेटर 2018। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं मिलता हूँ आप लोग कोई और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।